मुख्यमंत्री जी स्वयं आ नहीं रहे हैं, अब जो बजट पढ़ा जाएगा वो तो मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा पढ़ा जाएगा, तो फिर मुख्यमंत्री जी कब आएंगे, कब बोलेंगे? मैंने कहा है कि आप दिल्ली की पर्ची से काम मत कीजिए, आप यहाँ का आपका विजन होना चाहिए, आप अपने मुख्यमंत्री को जिनको भी बनाया गया है माननीय भजन लाल जी को, आप उनके नेतृत्व में यहाँ पर जो राजस्थान में घटनाएं घट रही हैं या राजस्थान में जो अच्छा करना चाह रहे हैं वो बात कीजिए। दिल्ली से पर्ची आ गई और खड़े हो गए और बोलने लग गए, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। वास्तव में सदन की गरिमा बनाए रखना सत्ता पक्ष का ज़्यादा दायित्व है और विपक्ष का भी दायित्व है। हमने अभी मेरे अभिभाषण में मैंने कहा है कि आप जिन जिन मुद्दों की बातें कर रहे हैं उन मुद्दों पे कम से कम आप एक नीति तो बना लीजिए कि हमको किस प्रकार से आगे लेकर के क्या जाना है क्या नहीं जाना है। सारी की सारी योजनाएं गलत बता दी और एक भी अभिभाषण में ये नहीं कहा गया कि उस योजना को किसको बंद करेंगे किसको चालू करेंगे। मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना का भी उन्होंने विरोध कर दिया। आर्थिक उपरबंधन की बात कर ली, इन्होंने ये कह दिया कि साहब आपके खींचातान थी, आपने देखा नहीं आज खींचातान की क्या स्थिति है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी को निर्दलीय विधायकों के जो कॉलम आवंटित है उसमें बैठाया गया है, कालीचरण सराफ जी को उसमें उस कॉलम में बैठाया गया है, आप देखिए उसी बॉक्स में आपके प्रताप सिंघवी जी को बैठाया गया है। सीनियर लोगों को इस तरीके से बेइज्जत करके ये राजस्थान में गुड गवर्नेंस दे पाएंगे, कोई योजना ले पाएंगे, क्या सरकार ये चला पाएंगे? तो मैंने तो कहा है कि आप कम से कम गरीबान में झांक के देखो कि जो जनता से आपने वादे किए हैं वो वादे आप निभाइए। ये डबल इंजन की सरकार बता रहे हैं, एक इंजन दो राजस्थान का फेल है। इन्होंने जो राजस्थान का स्टेट है उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, जो भी बात होगी वो दिल्ली से पूछ के आएंगे और तब दिल्ली जाकर के अगर इनको NOC देगी और पर्ची देगी तब ये लोग बात काम करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आज का माहौल रहा ये बिल्कुल सत्ता पक्ष की ओर से केवल बाधित करने का कार्यक्रम था, इनकी कोई तैयारी नहीं थी और न इनको कोई जानकारी थी। इनके मंत्री पूरे के पूरे जिन्होंने भी जवाब पढ़ा कोई भी ढंग से जवाब नहीं पढ़ पाया, सारे के सारे बिना तैयारी के मंत्री आए। इनके ऐसे नहीं लगे मंत्री होंगे, आप बताइए ऐसे नहीं लगेंगे? 100 दिन की कार्य योजना की बात कर रहे हैं ये, आप 50 दिन हो गए कार्य योजना ही नहीं बनी तो 100 दिन में ये कौन सी कार्य योजना पूरी करेंगे, वो समझ के बाहर की बात है। तो ये सारे मुद्दे हैं, सदन भी देख रहा है, सदन से लोग बाग पूरे प्रदेश में भी लोग देख रहे हैं कि कैसे लोगों को हमने सत्ता सौंप दी। ये तो कल्पना भी नहीं की थी कि इस प्रकार से अच्छी गवर्नेंस देने के बाद में, अच्छा सरकार चलाने के बाद में, जनहित की योजनाएं देने के बाद में ये जनता देख रही है कि हमसे ये क्या हो गया। तो मैं समझता हूँ कि ये जब भी सदन में ये आएंगे इनसे पूछेंगे, जनता के मुद्दों के ऊपर इनको घेरने का काम करेंगे और इनसे जवाब दिलवाने का काम करेंगे।